Hey guys, welcome back to another video. So, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं iMusic सॉफ्टवेयर के बारे में जो कि एक ऑल इन वन म्यूजिक मैनेजर है और साथ ही में जो कि मैक एप्पल विंडोज तीनों को सपोर्ट करता है। तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है अगर आप लोग भी मेरी तरह म्यूजिक सुनने के शौकीन हैं। तो अगर आप लोग इसके बारे में और जानना चाहते हैं इस वीडियो को जरूर से देखते रहें। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे इनकी वेबसाइट से आके iMusic को डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आप लोग को पहले ट्रायल मिल जाएगा कुछ दिन का और उसके बाद में आप लोग प्रीमियम भी यहाँ पे खरीद सकते हैं। और यहाँ पे नीचे कुछ इन्होंने यहाँ पे इसके जो फीचर्स है वो हाईलाइट कर रखे हैं और इसके बारे में आपको मैं अभी बताने जा ही रहा हूँ। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने iMusic यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है तो मैं इसे सिंपली ओपन कर लेता हूँ। और ये देखिए, इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का है। ये देखिए, काफ़ी स्मूथली ओपन हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग इसे पहले फुल स्क्रीन पे कर लेते हैं। सो, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है गेट म्यूजिक, यानी कि आप लोग यहाँ से ऑनलाइन म्यूजिक सुन भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को स्पेशल यूट्यूब लिंक्स या फिर साउंड क्लाउड या फिर स्पॉटिफाई की जरूरत नहीं है, उसके बगैर भी आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। ये देखिए, जिसको मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ एक गाना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जल्दी से आ भी गया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड पे सिंपली क्लिक कर देता हूँ और ये मेरी डाउनलोड लिस्ट में चला गया है और अभी यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल है यहाँ पे म्यूज़िक डाउनलोड करना भी। और इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ अभी और कुछ यहाँ पे जो ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है अपना जो इंटरनेट कनेक्शन है, तो स्पीड भी ठीक ठाक है और यहाँ पे जो म्यूज़िक है वो डाउनलोड हो रहा है। और उसके अलावा यहाँ पे हमें दूसरा ऑप्शन मिल जाता है सीधे डाउनलोड का, यानी कि अगर हमारे पास YouTube, SoundCloud, Spotify या इनके अकाउंट हैं या फिर इनके लिंक हैं तो हम लोग यहाँ पे आके पेस्ट कर सकते हैं सिंपली, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें MP3 फॉर्मेट या फिर MP4 फॉर्मेट को सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। और उसके अलावा हमें यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो है रिकॉर्ड, यानी कि हम लोग यहाँ से खुद के म्यूज़िक रिकॉर्ड कर सकते हैं, फिर चाहे हम लोग उसे खुद से बजाएँ या फिर खुद से अपने डिवाइस पर प्ले करें। और उसके बाद जो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आता है वो है म्यूज़िक लाइब्रेरी, यानी कि यहाँ पे मैं कौन कौन सी म्यूज़िक अपने इंपोर्ट कर सकता हूँ अपने कंप्यूटर में से। ये देखिए, मैं भी यहाँ पे करके दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये वाला कर लिया है और मैंने कर लिया और अभी मैं इसे प्ले कर सकता हूँ सिंपली यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। और अभी यहाँ पे ये प्ले होने लगा है। अगर इस म्यूज़िक के साथ यहाँ पे जो फाइल्स है मेरे को लिरिक्स वाली होंगी साथ में, तो यहाँ पे क्लिक करने से वो फाइल्स चलने लगेंगी। तो अभी यहाँ पे मैंने लिरिक्स वाली फाइल को नहीं साथ में डाउनलोड की है, सिंपल MP3 म्यूजिक है, सिंपल MP3 ट्रैक है, तो यहाँ पे लिरिक्स का नहीं आ रहा है ऑप्शन। और उसके बाद में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे हमें जो ऑप्शन मिल जाता है वो है प्लेलिस्ट, यानी कि हमने यहाँ पे कौन कौन से म्यूज़िक इम्पोर्ट कर रखे हैं वो सभी यहाँ पे दिखाई देंगे आपको। और उसके अलावा आपको यहाँ पे जो ऑप्शन एक और मिल जाता है वो है यहाँ पे वीडियो का। तो ऐसे मैं यहाँ पे एक वीडियो फाइल भी इम्पोर्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए, अभी मैंने वीडियो फाइल इंपोर्ट कर ली और अभी यहाँ पे जो मेरी वीडियो है वो भी यहाँ पे प्ले होने लगी है। ये देखिए, और उसके अलावा यहाँ पे हमें जो तीसरा ऑप्शन है वो है हमारे डाउनलोड्स का, जो भी मैंने यहाँ पे म्यूज़िक डाउनलोड कर रखे हैं। और यहाँ पे ये देखिए, ये गाना भी डाउनलोड हो चुका है जो भी मैंने यहाँ पे लगाया था, चन्ना मेरेया। और उसके अलावा यहाँ पे मैंने दो म्यूज़िक पहले से डाउनलोड कर रखे हैं तो हम लोग उसे भी सिंपली प्ले कर सकते हैं। ये देखिए, डबल क्लिक करेंगे और ये स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम लोग इसकी MP4 फाइल करेंगे तो इसकी वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। और उसके अलावा हमें जो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है वही है यहाँ पे रिकॉर्ड का, जो भी हमें यहाँ पे रिकॉर्ड कर रखे होंगे वो यहाँ पे हमें दिखेंगे। और उसके अलावा हम लोग यहाँ पे प्लेलिस्ट या फिर सेपरेट एल्बम बना सकते हैं अपने जो भी हमारे यहाँ पे फाइल्स हैं म्यूज़िक की। और यहाँ पे जो हमें एक और ऑप्शन है वो है डिवाइस का, यानी कि हम लोग सीधे अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन या फिर एप्पल या फिर मैक में सीधे हम लोग कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं ये म्यूज़िक। और यहाँ पे हमें कुछ यहाँ पे इन्होंने दिखा रखे हैं ट्यूटोरियल्स कि हम लोग कैसे अपने डिवाइस को यहाँ पे अटैच कर सकते हैं एंड्रॉयड वर्जन के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे टूल बॉक्स में हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये देखिए, पहला ऑप्शन हमें यहाँ पे ट्रांसफ़र iOS और एंड्रॉयड म्यूज़िक टू iTunes, यानी कि हम लोग अपने iTunes अकाउंट में अपने iOS या फिर एंड्रॉयड का म्यूज़िक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है क्योंकि काफ़ी दिक्कत आती है iTunes में से म्यूज़िक डाउनलोड करने में, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है आपके लिए। और उसके अलावा यहाँ पे है ट्रांसफ़र iTunes टू डिवाइस, यानी कि हम लोग iTunes वाले म्यूज़िक अपने एप्पल या फिर एंड्रॉयड डिवाइस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
और यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल जाता है जो कि है क्लीन अप म्यूजिक लाइब्रेरी, यानी कि हमारे पास जैसे कि कोई ऐसे सॉन्ग हैं जो कि अननेम्ड हैं या फिर जिनमें कोई स्पेसिफिक टैग्स नहीं है कि वो कौन सी एल्बम के हैं, तो हम लोग उन्हें ऐसे हम लोग सेट कर सकते हैं एल्बम के अकॉर्डिंग या फिर नेम वगैरह दे सकते हैं। और उसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शन है वो है बैकअप एंड रिस्टोर आईट्यून लाइब्रेरी, तो हम लोग हमारी जो आईट्यून्स लाइब्रेरी वो यहाँ पे बैकअप कर सकते हैं, उसका बैकअप रख सकते हैं और बैकअप के बाद हम लोग यहीं से उसको रिस्टोर कर सकते हैं। और जो एक और ऑप्शन है इंटरेस्टिंग वो है यहाँ पे रिमूव DRM, यानी कि हम लोग अपने वीडियो फाइल्स को यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं MP4 फाइल्स में। ये देखिए, तो अभी मैंने यहाँ पे कोई कर नहीं रखी है वीडियो फाइल इसमें खुद से डाउनलोड, तो मैं उसे MP3 में यहाँ पे कैसे कन्वर्ट करूँ। तो जब भी मैं यहाँ पे कुछ डाउनलोड करूँगा अपने वीडियो फाइल, तो मैं उसे यहाँ से आसानी से MP3 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और उसके अलावा जो एक ऑप्शन है वो है यहाँ पे कार प्लेलिस्ट, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा ऑप्शन लगा है, काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है आपके लिए। तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है ट्रांसफर प्लेलिस्ट टू USB ड्राइव प्ले, यानी कि जो भी मैंने यहाँ पे म्यूजिक डाउनलोड कर रखे हैं मैं उन्हें सीधे अपने USB ड्राइव में ट्रांसफर कर सकता हूँ इसी सॉफ्टवेयर से। और उसके अलावा यहाँ पे है कि बर्न म्यूजिक टू CD, यानी कि हम लोग अपने जो म्यूजिक हैं उसको हम लोग CD या DVD में यहाँ से बर्न कर सकते हैं। तो ये सब कुछ ऑप्शंस हैं जो कि यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पे सेटिंग्स में जाके हमें कुछ मिल जाता है कि हम लोग इसको रिव्यू कर सकते हैं, तो मैं इसे रिव्यू ज़रूर से करूँगा क्योंकि काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर मुझे लगा है। प्लस इसका UI भी काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी ईजी भी लगा ये देखने में और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगा सॉफ्टवेयर। और यहाँ पे हम लोग इसको ट्रायल वर्जन के बाद यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ ट्यूटोरियल्स देंगे हमें यहाँ पे कि इसे कैसे यूज़ करना है अगर आप लोगों को कुछ दिक्कत आए। और उसके अलावा हम लोग इन्हें यहाँ पे फैन पेज पे इनके फॉलो कर सकते हैं और यहाँ से न्यू वर्जन के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अपना अपडेट कर सकते हैं। और अबाउट में जाएंगे तो ये देखिए आप लोग को कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा, इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स। सो गाइज, यही मेरी एक वीडियो थी iMusic सॉफ्टवेयर के बारे में। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर अच्छा लगा आप इसे जरूर से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ में आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग इसे ट्रायल वर्जन में यूज़ कर सकते हैं पहले, और उसके बाद में आप लोग प्रीमियम शिफ्ट कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप इसे जरूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी कई सारी वीडियोज़ देखने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, माय नेम इज ऋषभ, यू आर वॉचिंग टेक मी आउट।